नमस्कार, टॉप न्यूज में आप है मेरे यानी कि देव के साथ। आइए देश की खास खबरों पर एक नजर डालें। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर असम और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में प्रदर्शन जारी है। इस बीच बीजेपी महासचिव राम माधव ने बिल का बचाव करते हुए कहा कि पड़ोसी देशों के पीड़ित शरणार्थियों के लिए ये जरूरी है। बीजेपी महासचिव ने कहा कि पड़ोसी देशों में शरणार्थी की तरह रहने वाले ये लोग वहां पीड़ित थे, धार्मिक आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। भारत की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उन्हें नागरिकता दी जाए। नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम लोग जो भारत में रह रहे हैं उन्हें अवैध प्रवासी के स्थान पर भारतीय नागरिकता का दर्जा दिया जाएगा। विपक्षी दलों द्वारा नागरिकता बिल का विरोध करने पर राम माधव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 1950 में इमिग्रेंट्स एक्ट, असम से निर्वासन, कांग्रेस शासित सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था। माधव ने इमिग्रेंट्स एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि नागरिकता बिल का विरोध करने वाले आलोचकों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पंडित नेहरू ने भी 1950 में ऐसा ही कानून बनाया था। कानून में खास तौर पर पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के बचाव का प्रावधान था। इस कानून के तहत पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को इस बिल के तहत सुरक्षा दी गई थी और ये तय किया गया था कि उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद यहाँ घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में खासी गिरावट आई है। इस साल 2019 अगस्त और नवंबर महीने के बीच महज 32,000 घरेलू पर्यटक पहुंचे। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के बर्फ से ढके जाने की वजह से भी घाटी प्रभावित हुई है। पिछले साल के 4 महीनों के आंकड़ों को देखा जाए तो 2.49 लाख घरेलू पर्यटकों में 87% की कमी देखी गई है। इतना ही नहीं, विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी 82% की गिरावट आई है। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर से पर्यटकों के आने पर लगी पाबंदियों को हटाया गया था। इसके बावजूद इस बार केंद्र प्रशासित प्रदेश को विशेष फायदा नहीं हुआ है। श्रीनगर के राजबाग स्थित शमसी रिवेरा होटल के मालिक परवेज बाबा ने बताया कि 24 कमरों में से महज 4 कमरे किराए पर उठे हैं। हैरानी वाली बात तो ये है कि इन कमरों को भी वास्तविक कीमत के आधे दामों पर देना पड़ा है। सरकार कामकाजी लोगों को प्रोविडेंट फंड में योगदान घटाने का विकल्प दे सकती है ताकि उनकी टेक होम सैलरी बढ़े। अधिकारियों का कहना है कि इससे कंजम्पशन डिमांड बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जिसमें सुस्ती के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई है। लेबर मिनिस्टर के इस प्रस्ताव के मुताबिक प्रोविडेंट फंड में कंपनी का योगदान 12% के मौजूदा स्तर पर बना रहेगा। ये बातें सोशल सिक्योरिटी बिल 2019 में शामिल हैं, जिसे पिछले हफ्ते कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC की मौजूदा स्वायत्तता को बरकरार रखने का भी फैसला किया है, जबकि पहले उनसे इन्हें कॉर्पोरेट जैसी शक्ल देने का प्रस्ताव दिया गया था। इस बिल के जरिए देश में 50 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स प्रोरेटा बेसिस पर ग्रेच्युटी पाने के हकदार होंगे। उन्हें इसके लिए अब किसी कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम नहीं करना पड़ेगा। गुजरे जमाने की बॉलीवुड एक्ट्रेस वहीदा रहमान का मानना है कि बलात्कार के मामले में दोषियों को मौत नहीं बल्कि जिंदगी भर जेल की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये बात हैदराबाद रेप कांड और एनकाउंटर से जुड़े एक सवाल के जवाब में कही। वहीदा ने कहा कि मेरी निजी राय ये है कि रेप जैसे जघन्य अपराध माफी के काबिल नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा भी मानना है कि हमें किसी की जिंदगी लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमें बलात्कारियों को पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वे रंगे हाथों पकड़े गए तो उनके खिलाफ केस ही क्यों दर्ज किया जाए। ऐसा करके आप जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए बिना किसी कानूनी कार्रवाई के ऐसे लोगों को जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए। ऐसी और खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।